नमस्कार, जय बिन मून, कैसे हैं आप? एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का मैं बिन मून न्यूज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सभी तंदुरुस्त हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है, अगेन हर एपिसोड की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो सब्जेक्ट है आज का, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, नो द प्रोडक्ट वेदर इट इज गुड और पॉसिबली इट कुड बी द बेस्ट। डिटेल में जानेंगे, हर एक चीज में बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन करने वाली हूं आपको, तो अटेंशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके एटीट्यूड में एक थोड़ा सा डिफरेंस ला सके, एक थोड़ा सा इम्पैक्ट ला सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। सो फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अक्सर लोग कहते हैं नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। नॉलेज पावर है, अगर नॉलेज है तो सक्सेस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। सो इज इट ट्रू और नॉट? आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? नॉलेज इज द की टू सक्सेस, नॉलेज इज द पावर, इज इट राइट? व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? क्या नॉलेज होना ही काफी होता है? नॉलेज इज पावर। व्हाट आई बिलीव इज दैट द एबिलिटी टू एक्ट ऑन नॉलेज इज पावर। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मुझे इस चीज का नॉलेज है, मुझे उस चीज का नॉलेज है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज जिसे हम कहते हैं कि पावर है, लेकिन क्या हम उस नॉलेज के ऊपर एक्ट करते हैं? जब हम नॉलेज के ऊपर एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तभी वो पावर कहा जाता है, देन इट बिकम्स पावरफुल। सो डू यू अग्री और नॉट? ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, जब हम ये प्रमोट कर रहे थे एपिसोड, जैसे हम हर वीक जब भी बिन मून न्यूज एक नया एपिसोड लेकर आता है तो हम सोशल मीडिया पर उसे प्रमोट करते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया? क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, आपने एग्जैक्टली क्या नोटिस किया जब हम ये पोस्ट प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर कि बिन मून न्यूज का ये सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज? एक और लाइन लिखी हुई थी उसके ऊपर, और सबसे जरूरी, ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है, वो आप में से किसको पता है? एग्जैक्टली कौन बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमने जो फर्स्ट लाइन है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो एग्जैक्टली क्या है? एनीबॉडी? आई थिंक वो एक लाइन आप समझ लेंगे तो मैं पूरा एपिसोड आप सभी के लिए आसान कर लूंगी, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए आप सभी की साइड से, ताकि आप जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, जो कुछ भी मैं आपको, आप इसे ट्रेनिंग समझिए, गाइडलाइन समझिए, एक अच्छी नसीहत समझिए या आगे बढ़ने का एक रास्ता समझिए। तो आई थिंक जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं ना, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। तो जो फर्स्ट लाइन है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इसका क्या मतलब है? एनीबॉडी? वी ऑल आर हियर सो नॉलेजेबल, आई थिंक आप सभी इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आई एम श्योर आप ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी अच्छा रखते हैं, तो आपने ज़रूर कुछ नोटिस किया होगा ये एपिसोड के प्रमोशन के टाइम पे जो हम हाईलाइट कर रहे थे। चलिए ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। अभी हम एक स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कुछ सेकेंड्स इसे ध्यान से देखें, ये स्ट्रक्चर को, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स हम रीड करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बी अटेंटिव। तो आप देख सकते हैं इसमें कंफर्ट जोन है, फियर जोन है, लर्निंग जोन है और ग्रोथ है, ग्रोथ जोन, राइट? क्लियर?
एवरीवन, एम आई मेकिंग द पॉइंट? आर यू क्लियर? सो फ्रेंड्स, जब हम जनरली पहले तो हम ये देखें कि हम कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं. यू नो, जैसे आप जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ आप अपने आप से पूछें, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं? मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्किंग, राइट? चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग कहिए, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कहिए, आई थिंक जो मेजर इसमें एलिमेंट है वो है मार्केटिंग. और मार्केटिंग में क्या होता है? बट ऑब्वियस सेल्स, यू हैव टू मीट पीपल. आपको बहुत सारे लोगों को मिलना होता है, प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, कंपनी के बारे में बताना होता है, बिजनेस प्लान के बारे में बताना होता है. सो बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, राइट? जहां पर आप काफी लोगों से मिलते हैं, और काफी लोगों से मिलने के बाद कितने लोग आपकी बात सुनकर कन्विंस हैं, सहमत हैं और आपके साथ एनरोल हो रहे हैं, यानी कि ज्वाइन हो रहे हैं. बट आई थिंक ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट. एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होता है? तो हम सबसे पहले तो कुछ गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पॉइंट है वो है कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन क्या होता है फ्रेंड्स? कंफर्ट जोन ये होता है कि जहां पर हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, और ऐसा लगता है दैट वी आर इन कंट्रोल. हमें ऐसा लगता है ये हमारा कंफर्ट जोन है, हम यहाँ बहुत सिक्योर हैं, सेफ हैं, इससे ज्यादा बस अब कुछ नहीं चाहिए. जो हो रहा है, जो आ रहा है, उससे हम सहमत हैं. मतलब अब मुझे कुछ एफर्ट नहीं लगाना है. मुझे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मैं 10,000 कमाती हूँ तो मैं सहमत हूँ कि अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा इससे घर चल रहा है, मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है, मेरा राशन पानी आ रहा है, तो मैं एक कंफर्ट जोन में आ गई. अब यही मेरे पास हर महीने आएगा तो मुझे चलेगा क्योंकि मेरा घर बार चल रहा है. तो मैं अपने कंफर्ट जोन को पुश नहीं कर रही हूँ. ये मैं चाहती हूँ ऐसा आप सोचें और समझने की कोशिश करें कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने, एक व्हील आप देख रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है. तो यहां पर आप कंफर्ट जोन में अगर हैं तो आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकता है? आपका थिंकिंग कंफर्ट जोन वाले लोगों का होता है कि भाई हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, और जितना हम कमा रहे हैं, जितना आ रहा है, बस उससे ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा हमें इनपुट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आ रहा है. क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं फियर जोन. तो फियर जोन क्या होता है? ये जो पूरा आप अभी एक साइकिल देख रहे हैं ना, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक माइंडसेट है, ये हमारा माइंडसेट है. तो आपका किस तरह का माइंडसेट है वो आप समझने की कोशिश कीजिए. फियर जोन, अभी हमने कंफर्ट जोन समझा, अब हम फियर जोन समझेंगे, जहां पर हम अफेक्ट हो जाते हैं दूसरों के ओपिनियन से, जहां पर हमें दूसरों के ओपिनियन अफेक्ट करने लगते हैं. अगर मान लो हमने कुछ किया, या हमने कोई स्टेप लिया, या हमने कुछ करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं हमें वो डर रहता है कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा. कहीं मुझे क्रिटिसाइज किया तो, कहीं मेरा ओपिनियन इनके साथ मैच नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है दूसरों का ओपिनियन. दूसरा, फियर जोन में एक और चीज आप देख सकते हैं कि फियर जोन माइंडसेट वाले लोग एक्सक्यूजेस भी बहुत ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं. ठीक है, आप कंफर्ट जोन में हो, आपको लगता है बस जो चल रहा है वही ठीक है, जबकि आपकी जो एबिलिटीज है, जो कैपेबिलिटीज है, आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां आप कंफर्ट जोन में है. आपको लगता है अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है, मैं इतने में ही संतुष्ट हूं, सहमत हूं. फियर जोन में जब आप आते हो तो आपको टेंशन होने लगती है दूसरों के ओपिनियंस की, और जब आपके परफॉर्मेंस का टाइम आता है या आप किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अक्सर हमारा माइंडसेट हमें ये कहता है चलो कोई एक्सक्यूज ढूंढ ले, हम कोई एक्सक्यूज ढूंढ लें. ये एक्सक्यूज कुछ भी हो सकता है कि भाई कोरोना है इसीलिए हम मीटिंग्स नहीं कर सके. फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अभी शादियां हैं,
मैरिज सीजन चल रहा है, अभी बारिश चल रही है, अभी तूफान आया है, अभी घर में परिस्थिति ठीक नहीं है, यू नो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एक्स वाई जी एसेट्रा एसेट्रा. सो जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई कोई एक्सक्यूज दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एक एक्सक्यूज होता है, तो वो हम एक्सक्यूज से खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि भाई अब मैं कंफर्ट जोन में से बाहर ना निकल पाऊं, तो मैंने एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया कि मुझे अब ये नहीं करना है क्योंकि मेरे पास एक सेल्फ मेड एक्सक्यूज है. जैसा हमें लगता है, यू नो, ये हमारा परसेप्शन बिल्ड हो जाता है जो कि हकीकत में ये होता नहीं है. सेकंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. जैसे कुछ लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट नहीं कर पाते, बहुत ही कहते हैं ना इन्फ्योरिटी महसूस करते हैं या कॉन्फिडेंस कम होता है. अब हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है, क्यों कोई इंसान अपने आप को ये नहीं बता पाता दैट यस आई एम इक्वली केपेबल, या मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ अपने कंफर्ट जोन से अगर मैं बाहर निकल जाऊँ और अगर एक राइट नॉलेज लूँ, मैं कुछ सीखूँ, कुछ समझूँ और उसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ. तो आई थिंक जब हम कुछ सीखने की भावना रखते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमारा चालू रहता है, तो वहाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे अपडेट होता जाता है. लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलते तो वहां पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है. अब देखते हैं लर्निंग जोन, जो थर्ड पॉइंट अभी आप देख रहे हैं वो है लर्निंग जोन, जहां पर आपको डील करना पड़ता है चैलेंजेस से और प्रॉब्लम से. अब लर्निंग जोन वाले जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा से रेडी रहते हैं कि भाई कोई फियर है, कोई चैलेंज है, किसी भी तरह का कोई फियर है, किसी भी तरह का कोई चैलेंज है या कोई हर्डल है जो हमें रास्ते में नड़ रहा है, या कोई सिचुएशन है ऐसी, या कोई परिस्थिति है ऐसी जिससे डील कैसे करना. तो जो लर्निंग जोन वाले लोग होते हैं ना, लर्निंग जोन माइंडसेट लेके चलते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कभी भी रोड जो है वो सीधा नहीं होता, आसान नहीं होता, हमेशा से हर्डल्स आते ही हैं. चाहे आप हर्डल्स कहो, चाहे आप अनइवन सिचुएशन कहो, चाहे आप बैड सर्कमस्टेंसेस कहो, तो लर्निंग जोन माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि हमें इसे ओवरकम कैसे करना है, खराब परिस्थितियों को अच्छी परिस्थिति में बदलना कैसे है, इसको डिफीट कैसे करना है सिचुएशन को और आगे कैसे बढ़ना है. एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, लर्निंग जोन वाले ये भी सोचते हैं कि अभी मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं नए स्किल्स, कहाँ पर मैं मेरी जो आइडेंटिटी है वहाँ पर कुछ गैप है, कहीं मुझे कुछ ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज कम है या कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, यू नो. तो जब हम अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लर्निंग जोन माइंडसेट वाले इस तरह के होते हैं. देन एक्सटेंड द कम्फर्ट जोन, लर्निंग जोन वाला जो माइंडसेट होता है वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते. वो ये नहीं सोचते कि आज मैं इतना कमा रहा हूं या मेरे सिर्फ इतने ही खर्चे हैं तो मैं इतना ही करूं. वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परफॉर्म करते हैं. क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? तो ये हो गया लर्निंग जोन. अब जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ग्रोथ जोन, वो पर्पस ढूंढते हैं, अपने ड्रीम्स को जीते हैं, नए गोल्स सेट करते हैं और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं. जो ग्रोथ जोन वाले हैं उन्हें पता होता है कि उनके ड्रीम्स क्या हैं, पर्पस क्या है. हमेशा पता होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ या ये जो मैं कर रही हूँ इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, मैं ये क्यों करना चाहता हूं, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, कौन सी मेरी ऐसे सपने हैं जिसे मैं साकार करना चाहता हूं, या मेरी प्रायोरिटीज क्या है जिसे मैं फुलफिल करना चाहता हूं, और ऐसा मुझे कौन से नए गोल्स अब सेट करने चाहिए जिससे मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊं या अपनी लाइफ को और मैं बेहतर बना पाऊं. और उनका ये एटीट्यूड दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होता है. एम आई क्लियर फ्रेंड्स? ये एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारा जिस तरह का माइंडसेट है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं
और सही दिशा में लेके जा सकते हैं, ताकि जो हमारी एक कंफर्ट जोन वाली जो सिचुएशन है कि बस इतना किया तो हो गया, उतना किया तो हो गया और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम सेटिस्फैक्शन की भी नहीं होती, हमें हम ऐसे लेजी हो जाते हैं, यू नो, हमारा जो ब्रेन है वो लेजी हो जाता है कि कौन करे। बट आई थिंक जब हम मार्केटिंग और सेल्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू नो द ओनली पर्सन, उनकी जो टीम है, कहीं ना कहीं आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी टीम है, आपका जो परफॉर्मेंस है उसका असर आपकी टीम के ऊपर भी पड़ना है। चाहे आप खुद के बारे में ऐसा समझें या अपने टीम मेंबर्स के बारे में समझें, यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक लीडर्स की बात नहीं कर रहे या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जनरल परसेप्शन से बात कर रहे हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, जो मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहूंगी, कि कंफर्ट जोन में है आप, फियर जोन में है आप, लर्निंग जोन में है आप या ग्रोथ जोन में है आप। आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या लगता है आप कौन से जोन में हैं। आराम से देखिए कि आप कंफर्ट जोन वाले हैं, फियर जोन वाले हैं, लर्निंग जोन में हैं या ग्रोथ में हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी जितना है उससे दुगना तिगना आप कर पाओगे। गेट आउट ऑफ द एक्सक्यूजेस, सर्कमस्टेंसेस को एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दीजिए। लर्निंग अगर आप करते हैं नई नई चीजें, तो चैलेंजेस से भी आप डील कर पाएंगे। कैसे, हम आगे की स्लाइड्स में जरूर बात करेंगे। एंड ग्रोथ माइंडसेट के लिए तो सब कुछ आसान हो जाता है, चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बट ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा चैलेंजेस से बाहर निकल जाता है और अपनी टीम के लिए भी सिचुएशन काफी इजी कर देता है। चलिए इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह है इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। आप आराम से देखिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए आप कि ये एग्जैक्टली ये पिरामिड का मतलब क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहां पर कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, कोई चीज आपको पसंद आ गई है, ऐसा सोच लेते हैं कि चलिए आप मार्केट में गए या आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ है, सोशल मीडिया है आपके पास, बाहर जाते हैं हम तो तरह तरह के होर्डिंग्स देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स देखते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप क्यों बाय करते हैं वो प्रोडक्ट, रीजन क्या है आपका कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने का। एम आई क्लियर टू यू, एम आई मेकिंग सेंस। जब हम ऐसे सोचते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, तो वो थॉट हमारे दिमाग में कहां से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। जस्ट थिंक, अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस। वो चीज को, वो प्रोडक्ट को कहीं हमने सुना होगा, कहीं हमने देखा होगा, किसी के मुंह से किसी ने रेफर किया होगा, कहीं तो उसकी कोई पब्लिसिटी रही होगी, कोई अवेयरनेस रही होगी। ऐसे तो नहीं है ना कि सुबह में अचानक से उठे और हमारे सपने में एक प्रोडक्ट आ गया और जाके मार्केट से बाय कर लिया। कोई ना कोई जगह पे कहीं ना कहीं कोई अवेयरनेस होती है ना, लोग तभी प्रोडक्ट बाय करते हैं। एम आई क्लियर, अवेयरनेस, राइट। अच्छा, अब अवेयरनेस से क्या होता है, जब हम देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बार बार आ रहा है, बार बार हम इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इट कुड बी एनी मीडियम, राइट, इट कुड बी एनी मीडियम, इट कुड बी व्हाट्सएप, इट कुड बी फेसबुक, इट कुड बी मैगजीन, इट कुड बी ऑन गूगल, इट कुड बी एनी मीडियम। लेकिन अगर आपने देखा कि भाई ये चीज मैं बार बार देख रही हूं, तो फिर क्या होता है, कोई चीज को बार बार आप देख रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पैदा होता है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, अवेयरनेस के बाद क्या पैदा होता है, इंटरेस्ट, कि भाई अब मुझे दिलचस्पी आने लगी है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी है इसलिए मुझे दिलचस्पी आने लगी है। क्लियर,
ऐसे ही आप किसी भी चीज में दिलचस्पी ले लेते हैं क्या, बगैर सोचे बगैर समझे ये क्या है किस बारे में है, बस चलो बहुत अच्छा है? जी नहीं, आपने कोई अवेयरनेस देखी इसीलिए आपने अभी दिलचस्पी ली, यानी कि यू हैव स्टार्टेड बिल्डिंग दैट इंटरेस्ट इन योर माइंड। थर्ड है डिजायर। अब अवेयरनेस भी बहुत देख ली, इंटरेस्ट भी आ गया आपको उस प्रोडक्ट में, अब यहां आपकी डिजायर पैदा हुई यानी कि इच्छा कि अब मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। जब हमें कुछ चीज देखते हैं तो एहसास होता है ना बहुत अच्छा है, बार बार देखते हैं तो लगता है अच्छा ही होगा, फिर हमें इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, फिर हमारी डिजायर पैदा होती है और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। क्या एक्शन लेते हैं हम? एनीबडी कैन यू टेल मी हम क्या एक्शन लेते हैं इन द कमेंट बॉक्स? एनीवन, कौन मुझे बता सकता है ये जो इन्वर्टेड पिरामिड जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहां पर मैंने आपको अवेयरनेस के बारे में बताया, इंटरेस्ट के बारे में बताया, डिजायर के बारे में बताया, एंड द फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज एक्शन। सो व्हेन डू यू फील दैट दिस इज द टाइम आई शुड टेक एक्शन? यू हर्ड अबाउट द प्रोडक्ट, यू स्टार्टेड बिल्डिंग दैट इंटरेस्ट, नाउ यू हैव डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट। तो एक्शन क्या होनी चाहिए? एक्शन इज टू बाय द प्रोडक्ट, राइट? इवेंचुअली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं। एम आई क्लियर टू यू? एक्शन मीन्स वॉट? टू बाय द प्रोडक्ट। अब आपको मेरा मतलब समझ में आ रहा है? तो क्या हम अवेयरनेस कर रहे हैं? आई एम आस्किंग यू, मैं आप सभी को पूछ रही हूं, क्या हम अवेयरनेस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की? इससे मुझे कुछ याद आया, हम यू नो जनरली मार्केटिंग में 4 P's की बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट और क्या क्या होते हैं 4 P's में, प्रमोशन, पोजीशनिंग। पर अगर प्रोडक्ट ही नहीं हो तो ये 3 एलिमेंट कुछ काम के हैं आपको? मतलब हम अपनी मीटिंग्स के फोटो रखेंगे, हम हमारी मीटिंग्स के फोटो रख रहे हैं, हम कहाँ घूमने गए, क्या हमने खाना खाया, वो सब भी हमने फोटो रखे, वेयर इज द प्रोडक्ट? अगर 4 P's में से प्रोडक्ट ही निकल जाए तो बाकी के जो 3 P's हैं, डज इट मेक एनी सेंस? तो अवेयरनेस किस चीज की होनी चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा तो डिजायर क्रिएट होगी और एक्शन में क्या करेंगे, दे विल बाय द प्रोडक्ट। एम आई क्लियर टू यू? एम आई मेकिंग सेंस? इज इट क्लियर? एंड देन यू कैन हिट द बुल्स आई। प्रोडक्ट बाय हो गया, फिर दिस इज इट, दिस इज वॉट वी वॉन्टेड, राइट? जब मैं एक प्रेजेंटेशन प्ले करूंगी ना तो हर एक स्लाइड में नीचे की साइड पर कुछ लिखा होगा, जरूर पढ़ते रहे, क्योंकि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, बेनमून के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो क्वालिटी इज अवर टूल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो एम आई क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी हमने 2 स्ट्रक्चर देखे। पहला स्ट्रक्चर, हमने कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक करें और ग्रोथ जोन में कैसे आए, फियर जोन को कैसे ब्रेक करें, लर्निंग जोन पर कैसे आए, लर्निंग जोन से हम ग्रोथ पर कैसे आए, राइट? तो हमने पहले ये सीखा। इसके बाद मैंने आपको इन्वर्टेड पिरामिड दिखाया, जहां पर एक टोटल सेल्स प्रोसेस कैसे बिल्डअप करना है वो मैंने आपको बताया। क्लियर? ऑल राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लास्ट तक जरूर पूरा एपिसोड देखेंगे, बिकॉज मैं उतनी ही मेहनत कर रही हूँ आपको सिखाने की, आपको ट्रेन करने की, आपका एक माइंडसेट डेवलप करने की, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की। सो फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है, नो प्रोडक्ट इज गुड और पॉसिबली द बेस्ट। यू नो जनरली जब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो होता है हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। डू यू नो दैट? हम कहते हैं दिस प्रोडक्ट इज गुड, बट इट कुड बी पॉसिबली द बेस्ट। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, आज हम ये सब जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस क्या है?
एक चीज आपको याद दिला दूं, हम जिस फील्ड में हैं, नेटवर्किंग कहें, मार्केटिंग कहें, इवेंचुअली आपको क्या करना है, इवेंचुअली आपको करना क्या होता है, आप ऐसा कहिए कि लोगों को ज्वाइन कराना है, या आप ऐसा कहिए कि लोगों से रीपर्चेस करवाना है, या आप ऐसा कहिए कि प्रोडक्ट बेचना है, राइट? यही प्रोसेस है ना? तो ये सब चीज शुरू कैसे होती है? मतलब प्रोडक्ट है तो है ना, बाकी चीजें, प्रोडक्ट नहीं है तो बेचेंगे क्या आप? प्रोडक्ट नहीं है तो प्रेजेंट क्या करेंगे? सब कुछ कर रहे हैं, पर इंपॉर्टेंस किस चीज का है? प्रोडक्ट का है ना, जिससे आप अपने सेल्स बूस्ट कर सकते हैं. एम आई मेकिंग सेंस? द मोर द कस्टमर इंटरैक्ट्स विथ योर प्रोडक्ट और बिजनेस, द लेस दे इंटरैक्ट विथ योर कॉम्पिटिटर्स. सो फ्रेंड्स, यू नो, अक्सर हम कहते हैं कि भाई ये बंदा चला गया, वो बंदा काम नहीं कर रहा है, ये बंदा ठीक ठीक कर रहा है. यू नो, अक्सर इस तरह की बातें होती है मार्केट में, राइट? बहुत सारी चीजें सुनने में भी मिलती है. बट आई थिंक अगर आप अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या किसी वजह से आपकी टीम जो है डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट का अवेयरनेस है, जो कंपनी का अवेयरनेस है, वो लैक हो रहा है. जितना कस्टमर, आप कस्टमर कहें कि आप कंज्यूमर कहें कि ह्यूमन बीइंग कहें या पीपल कहें, जिसके भी साथ आप संपर्क में आते हो, चाहे वो आपकी टीम के साथ आप संपर्क में आए हो, चाहे लोगों के संपर्क में आए हो, जब तक आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, आपकी कंपनी के साथ इंटरैक्ट करेगा, जितना विजिबिलिटी आप उसको अपने प्रोडक्ट और कंपनी की दोगे, तब तक वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा. यू कैन रीड इट अगेन. द मोर द कस्टमर इंटरैक्ट्स विथ योर प्रोडक्ट और बिजनेस, द लेस दे इंटरैक्ट विथ योर कॉम्पिटिटर्स. इवन सी, एवरीवन इज इन द मार्केट, एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, राइट? इट्स अ बिग मार्केट. Everyone is offering something hatke kind of things, right? Everyone is claiming we have the best product, we have the best product. There is a huge market for everyone. Lekin it is up to us. Ye aapke haath mein hai ki aapki team ko, aapke customers ko, aap kitna apne product ke bare mein unke dimag ko busy rakhte hain. Jitna wo product ke bare mein sochenge, जितना आप उनको कंपनी प्रोफाइल के बारे में अवेयर करोगे, उतना वो आपके साथ जुड़े रहेंगे. अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपके साथ जाएंगे, दूसरे के साथ भी जाएंगे, और तीसरे के साथ भी जाएंगे, और चौथे के साथ भी जाएंगे. देर इज नो स्टेबिलिटी बिकॉज देर इज नो नॉलेज. देर इज ऑलवेज एन हाफ नॉलेज. एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Are you agree with me? Do you agree? Okay then, moving on. So friends, जो आज का एपिसोड है वो प्रोडक्ट्स के जो इंपॉर्टेंस के बारे में है, नॉलेज के बारे में है, और साथ साथ में ये सभी का कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी से है. तो हम हर एक मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो एस्पेक्ट है स्टेबिलिटी का, मैं हर बार कहती हूँ, आई थिंक मैं सालों से एक ही चीज कहती आई हूँ, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट. आई डू बिलीव इन द स्टेटमेंट जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ. तो स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, क्यों, वाई, चलिए जानते हैं. सो फ्रेंड्स, व्हाइल हैविंग अ स्ट्रांग विजन, बिग ड्रीम्स एंड कॉन्क्रीट गोल्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, यू विल ऑल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज ऑन डे टू डे बेसिस. हम हर एक इंडिविजुअल से मिलते हैं, हर किसी के अपने सपने होते हैं, स्ट्रांग विजन होता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना चाहता हूँ, यहाँ तक पहुँचूंगा, ये हासिल करना है, फलाना फलानी गाड़ी खरीदनी है, इतना बंगला बनाना है, नॉट मैनी थिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग, whether you want to travel abroad, whether you want to have good house, you want to buy new car, anything. तो जब आपके इतने बड़े बड़े गोल्स होते हैं, तो आप सोच रहे हो ये सब मैं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन क्या सामने एक्ट हो रहा है?
जो आइडियाज है आपके दिमाग में कि मुझे घर खरीदना है, तो ये एक आइडिया हो गया दिमाग में, ये ड्रीम कहिए कि आइडिया कहिए, लेकिन उस आइडिया और उस ड्रीम के ऊपर आपने कुछ काम किया है? हैव यू एक्टेड? आर यू एक्टिंग? डू यू हैव द एबिलिटी टू एक्ट ऑन योर ओन विजन, ऑन योर ओन ड्रीम्स? क्योंकि अक्सर यू नो इट्स वेरी इजी टू टॉक, इट्स आई थिंक टॉकिंग इज समथिंग यू नो जो सबसे ज्यादा आसान है. ऐसा बोलो ना कि चलो बोलते ही रहना है, बोलिए क्या क्या खरीदना है, तो हर कोई लंबी लिस्ट बना देगा क्या क्या चाहिए, तो आई थिंक लिस्ट बनती ही जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए. पर आई थिंक जो लोग आगे बढ़ते हैं, एक मकाम हासिल करते हैं, उनकी जर्नी कभी आसान नहीं होती. कभी किसी के बारे में आपने सुना है जिन लोगों ने सक्सेस हासिल किया है? आई एम श्योर काफ़ी ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज लिखी है, जहाँ पर जो लोग एक मकाम पर पहुँच जाते हैं, या हम सक्सेस स्टोरीज कहें, तो उनकी जर्नी आप देखिएगा कि कितने सारे चैलेंजेस, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स और परेशानियों में भी गिव अप नहीं करते, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्हें ट्रस्ट होता है. मोर इम्पॉर्टेंटली क्या होता है? ट्रस्ट होता है. और जब हमें अपने ही विजन पे अगर ट्रस्ट ना हो, अपने ही आइडिया पे हमको ट्रस्ट ना हो, बस हमको यू नो काइंड ऑफ ख्याली पुलाओ इन अ टिपिकल लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर. हवा में ताजमहल बनाना बहुत आसान होता है. ड्रीम्स की मैं आपको लिस्ट बनाऊं, चलिए लिखिए क्या क्या करना चाहते हैं आप, तो अभी आप 10 चीजें लिख लेंगे, ये चाहिए ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बच्चों को मैं ऐसी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा, वाइफ को मैं ऐसे शॉपिंग करवाऊंगा, इतने लाख की मैं ज्वेलरीज बनाऊंगा. ओके, परफेक्ट, वेरी गुड. लेकिन क्या आप वो एक्ट कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट. There is no problem in having big dreams. बड़े सपने जरूर देखने चाहिए, बड़ा vision, बड़े goal जरूर होने चाहिए, लेकिन साथ में act. You need to constantly implement your idea into day-to-day basis. एक महीना काम नहीं करेंगे तो चलेगा आपको? दो तीन महीने ऐसे ही सो लिए, बस हम सो रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, या वो comfort zone मैंने जो बताया starting में, comfort zone, मेरा घर तो चल रहा है ना, मेरा घर चल रहा है, मेरा चूल्हा चल रहा है, मेरा गैस का बॉटल आ गया, मेरा इलेक्ट्रिक बिल भर गया, मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल गया, दैट्स इट, आई एम हैप्पी. सो इट इज अप टू यू, इट इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू लिव लाइक दैट, वी आर ओके विद इट. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले से कभी मिले हैं आप? चलिए एनीवे वी विल टॉक अबाउट इट, आगे बढ़ते हैं. स्टेबिलिटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट because it shows our ability for decision making and behavior. आपको पता है कुछ व्यक्ति होते हैं ना जिनसे आप बातचीत में आते हो या जिनसे आप कॉन्टैक्ट में आते हो, तो पहली मुलाकात में तो हम इम्प्रेस हो ही जाते हैं, यू नो अक्सर दैट ओके इनके ये थॉट्स हैं, ये ऐसा सोचते हैं, ये इनकी लाइफस्टाइल है. फिर धीरे धीरे जब मुलाकातें बढ़ती है, अब धीरे धीरे हम जो लोगों से काम करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं या उठना बैठना होता है, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई इन्होंने जो यू नो वॉट एवर दे सेड इज समथिंग यू नो डिफरेंट टू देयर एक्शन. वर्ड्स के साथ एक्शन तो मैच ही नहीं होते, राइट? तो स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? एक इंसान है ना, स्टेबल होता है ना, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, आज एक पर्सन यहां पर है, फिर वो कहीं और है, फिर वो कहीं और है, और वो फिर वो कहीं और है. सो आर यू गोइंग टू ट्रस्ट दैट पर्सन और आर यू गोइंग टू ट्रस्ट दैट कंपनी? माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अरे छोड़ दो, जाने दो, कोई वर्कआउट नहीं होता, चलो अब यहां जाते हैं. अरे यहां भी वैसा ही है, छोड़ दो, जाने दो, कुछ वर्कआउट नहीं होता, अब वहां पे जाते हैं. अरे इससे ज्यादा बेहतर तो वहां पर है, फोटो क्लिक कराएंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोशन करेंगे, लोग भी देखेंगे. बट पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर नोटिसिंग यू. अरे भाई इससे पहले वहां देखा, अब ये यहां है, कल वहां था. सो आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर कहां है? वेयर इज दैट ट्रस्ट फैक्टर? तो एक स्टेबल थिंकिंग होती है ना,
और लोग उसे देखते हैं, नोटिस करते हैं, उसके एक्शन को उसके जो एफर्ट्स है उसके साथ कंपेयर करते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि यस हाँ अभी विश्वास करने जैसा है. यू नो आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू शेयर. आई थिंक एक रिसेंट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. सो आई नो somebody, यू नो जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं. सो when आई मेट दिस पर्सन इन द बिगिनिंग, सो ही टोल्ड मी दैट मैं अब्दुल कलाम जी बनना चाहता हूँ. यू नो आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड. मैं अब्दुल कलाम जी बनना चाहता हूँ. एंड आई वॉज लाइक वाओ, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम जी एंड ही इज एन एरोस्पेस साइंटिस्ट. तो जब हम सोचते हैं माई गॉड परसेप्शन कैसा हो जाता है कि इसे अब्दुल कलाम जी जैसा बनना है, तो एक रिस्पेक्ट हो गया मेरे दिल में उस व्यक्ति के लिए, एक रिस्पेक्ट पैदा हो गया. देन आई मेट देयर पर्सन आफ्टर सम टाइम. जब हम नहीं कुछ मुलाकातें होती हम मिलते हैं बाद में, तो अरे कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं. सो अभी मुझे मार्केटिंग करना है, द पर्सन टोल्ड मी अभी मुझे मार्केटिंग करना है. तो फॉर अ वाइल आई वॉज लाइक यू नो ओके मार्केटिंग करना है आपको, ओके. So, but your qualification and degrees belongs to science line. So, how come this marketing? So, again, नहीं, marketing में बोले बहुत पैसा है, 30-40 हज़ार तो महीने का ऐसे आ जाता है, तो marketing करूँगा. I said, okay, fine. Then after some time, I met the same person and then he said, मुझे R&D करना है, मुझे research and development करना है. So, again, my brain shifted. So, is he the same person I met for the first time who said that I want to be like Abdul Kalam ji? And now he shifted to something marketing and now he wants to do R&D. And recently he changed his mind and he said that I want to do something graphics and designing. Now just see, just match the parameter. So, abhi first impression kya tha? Ab last impression kya hai? So, when you are considering somebody as an idol, and when you are saying that I want to be like that, but your efforts are zero. And every time you meet that person, आपको लगता है why he is so depressed. You know, अक्सर हम body language से पता कर लेते हैं बंदा दुखी क्यों रहता है, depressed क्यों रहता है, enthusiasm क्यों नहीं है, उत्साह क्यों नहीं है. And हर बार ये change करता रहता है, you know. So then I realized one day, I thought अगर ये person मेरे यहाँ पे free में भी काम करे, I don't want that. You getting my point? Because if a person is even not stick with his own dreams and idea, what he is going to give to my company? I cannot, agar koi aake bole to main free mein bhi na rakhun apne organization mein. Are you understanding my point? Stability is important, always remember. It is necessary for growth and to become successful in life. So aksar hai na ye industry ko jitne saalon se jana hai, I truly respect. I immensely respect the power of networking and this industry. But I think where we lack is a certain mindset. We need to break that mindset. We need to break the wrong mindset. It's like, you know, just recently I saw somebody, you know, aksar hota hai na, jaise hum TV pe advertisements dekhte hain, to kuch brand ambassadors dekhte hain hum aur dekhte hain, wow, isme ye hai, isme ye Khan hai, usme wo hai, Kapoor hai. And we get like, okay, mujhe bhi ye lena chahiye. अब आप समझिए, आप किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है आपका, एग्रेसिवली आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो आइडल हो जाता है, यू नो कि ओके फाइन. एंड सडनली नेक्स्ट डे यू सी द सेम पर्सन प्रमोटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट. सो वेयर दैट ट्रस्ट लेवल गोज. एंड द अदर डे यू सी दैट पर्सन प्रमोटिंग थर्ड प्रोडक्ट. एंड अदर डे यू कम अक्रॉस दैट ओके देयर इज नाउ समथिंग वेरी डिफरेंट. So where my trust goes? तो कोई stability ही नहीं है. It's very easy, you know. It for me it is very difficult. Some people who are actually successful in their lives, just go and read what they have done in their life. Challenges तो आते ही हैं. जब हम पैदा हुए थे ना friends, तो पैदा हुए थे तब हमें पता था अभी तो मैं 100 साल जीऊंगा, कोई बीमारी तो होने वाली ही नहीं है, 50 लाख की जॉब करूंगा, महीने में ये करूंगा वो करूंगा. नहीं, जब हम पैदा होते हैं तब हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ सीधे ट्रैक पे जाएगी. ऑब्वियसली देर आर चैलेंजेस, देर आर ऑब्स्टिकल्स, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस,
कठिनाइयां मुश्किल ये सब आती है, लेकिन ये हमारा माइंडसेट, ये कंट्रोल में होना, वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। अदरवाइज क्या है, एक्सक्यूज, सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग दैट एक्सक्यूज, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये सुना नहीं है, वो सुना नहीं है। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज यू नो द एंटरटेनिंग पार्ट, इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, रूमर्स, अफवाहें, बड़ा मजा आता है बनाने में और स्प्रेड करने में। एंड पीपल एंजॉय नेगेटिविटी, लाइक यू नो जितना नेगेटिविटी एंजॉय करते लोग उत्काश, उतना पॉजिटिव एक फ्रेमवर्क पॉजिटिव बनाए तो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। बट एनी वे विल टॉक अबाउट इट लेटर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी जो आपके सामने है ना, उसे अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग, इफ यू रियली वॉन्ट समबडी सी यू एज एन आइडल, समबडी सी यू एज एन इंस्पिरेशन, स्टेबिलिटी से क्या मिलता है, खुद बोलते क्या मिलता है स्टेबिलिटी से, क्या ये मैडम हर बार आके स्टेबली स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी बोलती, मिलता क्या है स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी से ग्रोथ मिलता है। दिस इज अगेन अ स्ट्रक्चर, जस्ट रीड इट, स्टेबिलिटी से ग्रोथ मिलता है, स्टेबिलिटी से ग्रोथ तो मिलता है पर प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ यानी कि पैसा, तो ग्रोथ भी मिल रहा है लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। फिर स्टेबिलिटी से क्या मिलता है, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी भी ली, डेवलपमेंट मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नई अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं होता कि आज यहां कल वहां, परसों वहां उधर वहां, आज ये प्रोडक्ट कल वो प्रोडक्ट, जी नहीं, हम अपने ही कंपनी में रहकर, हम जो भी कर रहे हैं, आप जहां भी हो, ये सभी के लिए है। तो भाई वहां जहां पर भी हो आप, वहां रहकर भी अच्छा करो, फिर चाहे आप बेनमून के साथ हो कि कहीं और हो या कहीं और हो, तो अपॉर्चुनिटीज वहां ढूंढो जहां पर आप हो, क्योंकि जहां पर आप हो अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी मिल सकती है और वो क्रिएट भी हम कर सकते हैं अगर हम स्टेबिलिटी माइंडसेट के हैं। फिर क्या मिलता है, अगेन आप देखिए, स्टेबिलिटी से ग्रोथ मिला, प्रॉस्पेरिटी मिली, डेवलपमेंट मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली, एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी। स्टेबल माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, उसको लाइफ में कभी वो पैसा किसको नहीं चाहिए, एवरीबडी वॉन्ट्स मनी, बट यू नो टेंशन नहीं होता कि नेक्स्ट मंथ नहीं आया तो पैसा क्या करूंगा, कहीं और छलांग मारूंगा। कितनी कंपनीज है दुनिया में, कितनी छलांगे मारेंगे, यू नो, तो फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी स्टेबल माइंडसेट वाला होता है ना, उसको टेंशन नहीं होता नेक्स्ट मंथ क्या करूंगा, उसके अगले महीने क्या होगा, वो सोचना पड़ता है ना अभी इतना करना पड़ेगा उतना करना पड़ेगा। फिर क्या मिलता है, सबसे बड़ी चीज, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड इवेंचुअली सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े ऐसे टावर के ऊपर जाके चिल्लाए आई एम मल्टी बिलियनेयर, आई हैव 10 cars, जी नहीं, जिसे सक्सेस मिला है ना उसे पता ही होता है आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस की कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं होती दैट ब्ला 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 इज डिफाइनिंग सक्सेस, नो, व्हाट आई बिलीव, गूगल में सक्सेस डालोगे करोड़ों डेफिनेशन मिल जाएगी। व्हाट फॉर यू मैटर्स, आपके लिए क्या मैटर करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एम आई क्लियर टू यू फ्रेंड्स, ओके। फॉर इंस्टेंस, अभी जैसे मैंने आपको स्टेबिलिटी का पूरा चार्ट बताया, सो फॉर इंस्टेंस यू माइट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर टू चूज स्टेबिलिटी और ग्रोथ फॉर योर बेटर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं स्टेबिलिटी चुनू कि ग्रोथ चुनू, राइट, होता है ना वीवरिंग माइंड कि स्टेबिलिटी चुनूंगा तो ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ नहीं मिला तो क्वेश्चन मार्क, आगे नहीं बढ़ पाया तो क्वेश्चन मार्क, ज्यादा पैसे नहीं आए तो क्वेश्चन मार्क। पर ऐसा क्यों नहीं सोचते, स्टेबल रहूंगा तो पैसे बहुत आएंगे, अपनी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता हूँ,
थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किल आएंगी, चैलेंजेस आएगी, पर मेरे पास एक अच्छी टीम है, मैं अपनी टीम को फ्रूटफुली कुछ वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं दूसरों को भी एक पॉजिटिव माइंडसेट दे सकता हूँ। तो हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क वाला जो बात की, तो उसकी जगह हम ये भी सोच सकते हैं। तो जो जो कन्फ्यूजन चलता है ना, एंड आई थिंक यू नो, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जहरीली होती है, पॉइजनस। एक तो हाफ नॉलेज के साथ बात करो, वेरी पॉइजनस। और कन्फ्यूज्ड पीपल, यू नो, कन्फ्यूज्ड, जब हम किसी के ओपिनियन लेने जाते हैं ना, तो पहले चेक करो बंदा तो कन्फ्यूज नहीं है ना, समझे? तो उसको तो आप मर्सिडीज दिखाओगे तो बोलेगा ये मॉडल तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो। देन दे हैव क्रिटिसिज्म ऑन एवरीथिंग, दे हैव क्रिटिसिज्म ऑन एवरीथिंग ऑलमोस्ट, बिकॉज दे वॉन्ट अटेंशन, राइट? सो कन्फ्यूज्ड जो है, आप ओपिनियन वहां लो, आपका खुद का ब्रेन है, आस्क योर सेल्फ। ओपिनियन देने के लिए तो लोग, आई थिंक यू नो, दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव ओपिनियंस। अगर आप कुछ भी पूछेंगे, पांच ओपिनियन तो ऐसे ऐसे आएंगे, पर बोलो पांच पॉजिटिव बात बोलो, एंड दे विल लाइक ओ इज इट, सोचेंगे पॉजिटिव बात क्या बोलूं, बट बोलो ओपिनियन दो, इट विल कम लाइक दिस, अग्री और नॉट फ्रेंड्स, अग्री और नॉट। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, फैक्ट बोल रही हूँ, ये फैक्ट ऐसा है दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अस ऑल टू वर्क टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर। एम आई मेकिंग पॉइंट और नॉट? आर यू अग्री? डू यू अग्री विथ मी फ्रेंड्स? ऑल राइट देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम पीपल थिंक दैट इट्स बेस्ट टू कंटिन्यूअसली परस्यू इनकम ग्रोथ बिकॉज इट मीन्स दैट मनी इज कमिंग। सो यू नो, कुछ लोगों को लगता है कि भाई पैसा आते रहना चाहिए, सोर्सेस कुछ भी हो, कहीं से भी सेटिंग कर लूंगा, जुगाड़ कर लूंगा, यू नो, बट देयर इज नो स्टेबिलिटी, स्टेबल माइंडसेट नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि पैसा आते रहना चाहिए, फिर वो कभी आए नहीं आए तो जुगाड़ कर लेंगे, बट देन देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं है यहाँ पर, स्टेबिलिटी नहीं है, पर मुझे इनकम आते रहेगी वो भी चलेगा। इस टाइप के भी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, बट जो स्टेबिलिटी वाले होते हैं ना, दे नो देयर एक्शंस, दे नो देयर रिएक्शंस, दे नो व्हाट टू डू, दे हैव वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, यू शुड नॉट ऑल्सो इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी का राइट है, अधिकार है कि वो अपने लाइफ के ग्रोथ के बारे में सोचे, लेकिन जब आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो तो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली स्टेबिलिटी ही आपको सब कुछ दे सकती है। एम आई क्लियर टू यू? सो डू नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन अर्निंग अ स्टेबल इनकम फॉर योर लाइफ टाइम। जब भी आप कुछ करते हैं तो फोकस कीजिए कि जो भी मैं आज कर रहा हूं, नेक्स्ट वन ईयर के बाद क्या मैं अपने आप को यहीं देखता हूं या मेरे कुछ और प्लान्स हैं, कि मैं वो भी श्योर नहीं हूं कि मैं अगले साल क्या करने वाला हूं, क्या मैं वाकई में सिक्योर हूं, क्या मैं स्टेबल हूं, जो भी मेरी अर्निंग्स हैं क्या मैं उसमें स्टेबल रह पाऊंगा नेक्स्ट ईयर, या लाइफ टाइम के लिए मुझे ये इनकम स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अर्निंग्स कर रहे हैं, जस्ट थिंक आपकी जो प्रायोरिटीज है, योर प्रायोरिटीज शुड डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। जो आपकी प्रायोरिटी है, आपके पड़ोसी की प्रायोरिटी नहीं होती, वो उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होगी। अगर आपके पड़ोसी की प्रायोरिटी है कि मैं नेक्स्ट मंथ नया टू व्हीलर लूं, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या पड़ोसी में कोई कहते हैं मुझे नेक्स्ट मंथ टू व्हीलर लेना है, पर आपको, आपकी प्रायोरिटी में आपको लगता है कि मैं तो नेक्स्ट मंथ कार लूंगा, तो प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब वो, उसको टू व्हीलर लेनी है तो वो अपना काम उसकी प्रायोरिटी से करेगा, आपको कार लेनी है तो आप अपना काम अपनी प्रायोरिटी से करोगे। अब उनके बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे कहें कि आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे कहें कि भाई मुझे तो एक अच्छी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा देना है, पर आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे
यहाँ पढ़ने चाहिए, इस लेवल की यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए, इस लेवल का उनका स्टडी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप वर्कआउट उस लेवल से करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबकी जो प्रायोरिटीज है वो अलग अलग तरह की होती है, तो जब आपको कोई सलाह मशवरा ओपिनियन देता है तो थिंक। एक्चुअली क्या होता है, यू नो वी जस्ट लव टू एक्ट, हम लोगों को क्या होता है एक्ट करने में ही मजा आता है, सोचना तो है ही नहीं हमको। इट्स लाइक यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट समबडी सेड समथिंग एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज वेदर इट इज गोइंग टू टेक अस ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। Is it right or wrong? We just think that अच्छा उसने बोला तो ऐसा ही होगा, उसने बोला तो ऐसा ही होगा। अरे भगवान ने हमें तो दिमाग दिया ही नहीं है, right? But I think take it as a sense of humor. But I think we should start realizing that what are my priorities, right? What are my priorities? तो priorities समझने की कोशिश भी जरूर करें, और प्रायोरिटी समझने के बाद जहां भी आप हैं वहां से अपना जो इनकम है वो स्टेबल और अच्छा करके, और अच्छा काम करके कैसे अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हो ताकि कल को एक अच्छा ग्रोथ आप अचीव कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप क्या देख रहे हैं कमेंट में, कौन मेंशन करेगा अभी आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर? चलिए इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, 5 से 7 सेकंड आप सोचिए आप क्या देख रहे हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज। सो आर यू श्योर दैट यू आर बिल्डिंग द राइट वॉइस फॉर योर टीम, फॉर योर टारगेटेड ऑडियंस? आपकी जो टीम है, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, आप उनको राइट नॉलेज दे रहे हो? आपको लगता है ऐसा? आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एज इन द बिगिनिंग वी क्लियरली डिस्कस दैट नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द की टू सक्सेस, बट व्हाट आई मेंशन्ड इज दैट यू हैव टू एक्ट ऑन योर नॉलेज। आप वो नॉलेज बहुत है पर एक्ट नहीं करोगे उस नॉलेज पर तो क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्ट करना जरूरी है। पावर दैट हेल्प्स यू क्लोज मोर सेल्स एंड गिव्स मोर ग्रोथ। जब आप प्रोडक्ट नॉलेज सही से लोगे, प्रोडक्ट को सही से समझोगे, तो ज्यादा सेल्स आप क्लोज कर पाओगे। लोगों को जितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, प्रोडक्ट का राइट नॉलेज दोगे, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। टिपिकल भाषा में तो इसको सेल्स क्लोज करना ही कहते हैं ना, कि प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट जुड़ गया, आपका सेल्स क्लोज हो गया। सो इवेंचुअली ग्रोथ मिला आपको। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्रोडक्ट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट। यू हैव द प्रोडक्ट, बट आर यू श्योर दैट यू आर गिविंग प्रोडक्ट नॉलेज टू पीपल, राइट प्रोडक्ट नॉलेज? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज इज एन एसेंशियल सेल्स स्किल। आप सभी ये चीज तो मानते ही होंगे कि प्रोडक्ट नॉलेज एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए, ताकि जब आप लोगों से मिलते हो तो शॉर्टकट ना बोलो कि भाई ये तो स्वीटोन है, एक ड्रॉप डाल दो काम बन जाएगा। जी नहीं, पर ये काम कितने तरीके से करता है, इसका फंक्शनिंग क्या है, डिटेल में तो बताना पड़ता है ना आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्लैक्सीड, बेनमून का फ्लैक्सीड ये ले लो, कोई भी तरह की कमियां है वो कमियां पूरी हो जाएगी। किस तरह की कमियां? डोंट प्ले शॉर्टकट, प्रॉपर नॉलेज दीजिए। ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, इसका फंक्शनिंग क्या है, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रही हूं कि जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, क्योंकि यही आपका सेल्स स्किल है, यही आपको हेल्प करेगा आपके सेल्स को क्लोज करने में, प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपेरेटिव फॉर सेल्स सक्सेस? प्रोडक्ट नॉलेज इतना जरूरी क्यों है सेल्स में सक्सेस हासिल करने के लिए? प्रोडक्ट नॉलेज क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज आपके अंदर
उत्साह बिल्ड कर देता है। अगर मानिए आपको बेहतरीन प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप कैसा महसूस करेंगे, हाउ वुड यू फील? अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और अगर आपको किसी को उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के बारे में समझाना पड़ता है तो आप कैसे महसूस करेंगे? एंथुजियास्टिक महसूस करते हैं। जब हमारे पास राइट नॉलेज होता है तब हम उत्साह में रहते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है प्रोडक्ट को लेकर बढ़ जाता है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप किसी को समझा रहे हो, सबसे पहले तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में खुद पता करना चाहिए, खुद समझना चाहिए, खुद नॉलेज लेना चाहिए, ताकि जब आप दूसरे को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दुगना तुगना आ जाए। एम आई क्लियर? आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट और नॉट? सो इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज गिव्स अस करेज। जब भी हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, कि जब हमने किसी को किसी भी चीज के बारे में समझाया, हो सकता है न्यू कॉर्पोरेट बुकलेट के बारे में समझाया, हो सकता है कोई प्रोडक्ट के बारे में समझाया, तो उससे क्या होता है, हमें हौसला मिलता है ना, हम करेजियस फील करते हैं। और अक्सर सेल्स फील्ड में सेल्स पर्सन बोलो या नेटवर्कर बोलो या मार्केटर बोलो, सबसे ज्यादा उनको टेंशन क्या रहता है? वन कॉमन फियर अराउंड सेल्स पीपल इज दैट कस्टमर विल आस्क अ क्वेश्चन दैट दे डोंट नो द आंसर टू। सही से नॉलेज नहीं होता ना, आपने किसी को सिखा दिया, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से सिखाया, बट हो सकता है सामने वाला वो नहीं समझ पाया हो, या एक राइट प्रोडक्ट नॉलेज उसको नहीं मिला हो, या हो सकता है उसको प्रोडक्ट नॉलेज मिला है पर पूरी तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज नहीं मिला है। तो जब वो किसी से बात करेगा प्रोडक्ट को लेकर, तो सबसे पहले तो उसके मन में घबराहट होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो ये सोचेगा ना कि भाई कहीं इसने कुछ सवाल कर लिया तो, मुझे इसका जवाब नहीं आया तो। अक्सर होता है ना, जब हमारे पास सही से प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता ना, तो हमें डर रहता है कि सामने वाला कुछ ऐसा सवाल ना कर ले जिसका जवाब मैं खुद नहीं जानता, जो कि मैं निकला तो प्रोडक्ट के साथ ही हूं पर मैंने खुद स्टडी नहीं किया है सही से, मैंने सिर्फ समझ लिया है। सो फ्रेंड्स, वेक अप। प्रोडक्ट नॉलेज सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज आपने खुद अच्छे से लेना शुरू कर दिया और दूसरों को देना शुरू कर दिया ना, देन देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, मार्क माय वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय लर्निंग एवरीथिंग अबाउट प्रोडक्ट यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। जब आप सही से प्रोडक्ट नॉलेज लेना शुरू कर दोगे ना, तो जो रिस्क फैक्टर्स है ना, जैसे हम कहते हैं ना रिस्क है, अरे रिस्क नहीं होता है, आपका नॉलेज कम है इसलिए रिस्क लगता है। अगर सही से आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है या होता, तो आपको इतना पता होता कि बेनमून के प्रोडक्ट्स हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है। सिर्फ ये वर्ड यूज करना काफी नहीं है कि बेनमून के प्रोडक्ट्स हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है, यू हैव टू प्रूव इट। अक्सर मैंने देखा है लोग बोलते हैं अरे बेस्ट प्रोडक्ट है एक बार लेके तो देखो। आई थिंक आई हैव सीन लॉट मेनी पीपल प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सेज दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अभी तो रिसेंटली तो काफी कॉपी पेस्ट चल रहा है ऑन एवरीथिंग, बट आई थिंक इट्स नॉट इजी। जब आप किसी प्रोडक्ट को इवन कॉपी भी करते हो या उसके कंटेंट को भी कॉपी करते हो, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि अरे वो तो हमारे जैसा है, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट से ही कुछ हासिल नहीं होता है। यू हैव टू बी रियल, वन हैज टू बी रियल, राइट? वन हैज टू बी रियल। और प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसीज है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, आई थिंक जब तक हम खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, खुद यूज नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, फिर तो पता चल ही जाएगा कि बेनमून के प्रोडक्ट्स में कितना दम है। शुरुआत में मैंने आपसे कुछ कहा था कि हर एक स्लाइड में नीचे जरूर कुछ रीड करिएगा। क्वालिटी इज अवर टूल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और बेनमून हमेशा स्टिक है अपनी क्वालिटी पर। बेनमून को प्राउड फील होता है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर। बेनमून को यकीन है कि बेनमून शुरुआत से अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स लेकर आया और लेकर आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव वंडरफुल रिजल्ट्स, दैट विल क्रिएट वंडर्स अनडाउटेडली। सो इसीलिए
जब हम देखते हैं ना एक्स वाई जी प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट इवेंचुअली इट्स इम्पोर्टेंट. 10 चीजें यूज करते हैं फिर पता चलता है कि वैल्यू किसकी है, यू नो. देन वी रियलाइज द ट्रू वैल्यू. एंड यू नो वॉट, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था, क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स हो ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा आयु वरदान कैंसर के पेशेंट्स भी लेते हैं. काफ़ी कैंसर के पेशेंट्स हैं जो आयु वरदान लेते हैं, बायोबिटीज डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो लेते हैं. सो आई थिंक बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो पेशेंट्स ले रहे हैं और उनका कोर्स भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. एंड इट्स वेरी शॉकिंग यू नो व्हेन आई सी दैट वो लोग जो अब वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, यू नो फॉर सम रीजन दे आर कन्विंस्ड नॉट टू बाय एंड दे आर बाइंग कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर. एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड वी आर गेटिंग कॉल्स दैट कि आप यहाँ यहाँ प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं, यू नो. सो वी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ अवर प्रोडक्ट. जस्ट रिसेंटली वी गॉट अ कॉल इन अवर एडमिन डिपार्टमेंट बाय सेइंग यू नो के ये प्रोडक्ट को आप यहाँ ये कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं, उनका कोर्स ब्रेक नहीं होना चाहिए. सो वेन माई पर्सन से मैम दिस इज द नेम एंड आई सेड ही इज नॉट विद अवर कंपनी नाउ. So how come he is calling us and saying a product, you know? So there, that point of time, we realized the importance of our product. Because this is network industry, we cannot deny the fact. So please value wherever you are, whatever you are doing, value your own platform. Respect your own platform. Everybody wants to earn money. But just earning money does not mean that you play with patience. बंदा कैंसर वाला है, अचानक से उससे आयु वरदान लेके उसको, इफ द पर्सन इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद अदर प्रोडक्ट एंड समवन कीप इंसिस्टिंग यूज दिस प्रोडक्ट, दिस इज बेस्ट, बट व्हाट इफ द कस्टमर इज सफरिंग, द पेशेंट इज सफरिंग. सो कभी भी किसी पेशेंट को सफर मत करवाइएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, राइट? क्योंकि आज जो बंदा कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को आस्थमा है, किसी को डायलिसिस पर है, तो हमें उल्टा उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, कि उसको प्रोडक्ट टाइम पर मिले, कहीं कोई गैप नहीं हो जाए, उसका जो रिकमेंडेड कोर्स ड्यूरेशन है उसमें गैप नहीं हो जाए, कहीं उसको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो, भगवान ना करे, है ना. तो थोड़ा सेंसिटिविटी हमको रखनी चाहिए, कंपैशन एटीट्यूड रखना चाहिए. सो दुनिया में सिर्फ पैसे के पीछे भागना और गोल सेट करना ही नहीं होता है, और बेन मून ने तो ये सोचा ही नहीं. आई थिंक बेन मून अगर एक तरफ देखने जाए तो बहुत इम्प्रैक्टिकल रहा है, हमेशा पेशेंट्स, हमेशा लोगों के बारे में ही सोचा है बेन मून ने. एंड समटाइम्स चैलेंजेस भी ऐसे ऐसे फेस किए हैं, पर जहाँ पे क्या था, वी फील लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर. जब हम यू नो हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो पूरा ट्रस्ट करते हैं, भले हमारा ट्रस्ट तोड़ दे कोई, लेकिन हम ट्रस्ट पूरा करते हैं. दैट इज अवर वीकनेस. ये हमारी काइंडनेस कहिए कि हमारी वीकनेस कहिए, एक ही बात है. बट बेन मून जो शुरुआत से बोलता था, आज भी वही बोल रहा है और आगे भी वही बोलता रहेगा, दैट वी वॉन्ट टू ग्रो टूगेदर, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू. कभी कभी चीजें हाथ से निकल जाती है ना, फिर पता चलता है उस चीज की वैल्यू क्या थी, कि अगर होता तो क्या होता. एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं. Understanding your product features allows you to present their benefits accurately. The most important part. प्रोडक्ट फीचर्स, फीचर्स का मतलब क्या है, विशेषताएं, उसकी क्वालिटी. तो प्रोडक्ट के फीचर्स समझिए. कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट लाकर बताता है ये प्रोडक्ट है, अरे वाह क्या कलर है, जोरदार है, सेम टू सेम ऐसा ही. आई थिंक यू नो ऐसे सिचुएशन मार्केट में चलती है, सेम टू सेम है, हमारा भी सेम टू सेम है. बट जस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स. सेम ग्रीन पैकिंग होना या सेम कॉन्टेंट होना डज नॉट मीन दैट दे आर ऑफरिंग द सेम क्वालिटी. अंडरस्टैंड द फीचर्स. कोई भी, चाहे आप बेन मून के साथ हो, कहीं भी हो, टेक प्रॉपर नॉलेज. टेक प्रॉपर नॉलेज. हमेशा कंपनीज को पॉजिटिवली प्रमोट करो, हमेशा आप सभी ग्रो करो, हम तो वही चाहते हैं, बट टेक प्रॉपर नॉलेज. फीचर्स को अंडरस्टैंड करो, इसमें विशेषताएं क्या क्या है. सिर्फ ग्रीन कलर इज नॉट द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट. चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं फीचर्स का मतलब क्या होता है. प्रोडक्ट फीचर्स का मतलब ये काम कैसे करता है. अगर कोई पूछे आपसे ऑरा ग्रीन काम कैसे करता है, आप क्या कहेंगे. इसका पर्पस क्या है, ऑरा ग्रीन का पर्पस क्या है, आप क्या कहेंगे.
कि डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड कैसे हुआ है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कोई प्रोडक्ट बना है वो डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड कैसे हुआ है? हाउ इट इज चेक्ड फॉर क्वालिटी? ये क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसका क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे चेक होता है, वो कभी आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की है? हाउ इट इज डिलीवर्ड, आप तक कैसे पहुंचता है? तो देखिए, हाउ इट वर्क्स, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, कि ये वेट लॉस में काम करेगा कि फिटनेस मेंटेन करने में काम करेगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव करेगा कि देयर आर सम अदर फंक्शंस और नॉट। इसमें ग्रीन टी लिखा है पर ग्रीन टी के अलावा भी इसके अंदर लेमन ग्रास है, इसमें जिंजर है, इसमें सैफ्रॉन है। तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की, ये ग्रीन टी लिक्विड है, ये ग्रीन टी लिक्विड है, बेस्ट है, दो बार ट्राई करो ना, मजा आ जाएगा। दिस इज नॉट द वे यू प्रेजेंट द प्रोडक्ट। You need to understand how it works, what is the purpose, is the product solving your purpose or not, how it is being researched, how it is being developed or manufactured, how the quality is maintained and checked and how it is finally getting delivered to you. चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम प्रोडक्ट के फीचर्स की बात कर रहे हैं। How the quality is maintained, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, सिर्फ कहने से बेस्ट नहीं हो जाता, सिर्फ कॉपी करने से बेस्ट नहीं हो जाता, या कहीं से कोई कॉन्सेप्ट उठाने से बेस्ट नहीं हो जाता। उसका जो रियल वर्जन है प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। खुद ट्राई कीजिए प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड वेदर इट इज रियली बेनिफिटिंग यू, वेदर आर यू रिसीविंग द सेम रिजल्ट दैट यू वर रिसीविंग बिफोर, और इज इट रियली रिजल्ट ओरिएंटेड, whatever is being said, understand the quality and question how the quality is maintained, ask how the quality is maintained, how long it is likely to last, कब तक चलेगा, एक्सपायरी क्या है, कब तक चलेगा, कितने समय तक रिजल्ट देगा, 10 दिन में रिजल्ट देगा, 2 महीने में देगा, 1 साल में देगा, how long it is going to last, how it compares to similar products in the market. See, as we in the beginning we discussed that, you know, it's a huge market, kitne tarah ke products hote hain, you know, aisa samajh liye, do glass aapke samne abhi maine rakhe hue hain, aisa samajh lete hain do glass hai, for an example ye do glass hai, theek hai, to dikhne mein to glassy hai, abhi ek mein maine full nimbu nichod diya aur ek mein maine do drop nichode. Now I am telling you it's a nimbu pani. Of course, it's a nimbu pani. क्योंकि नींबू तो एक में फुल निचोड़ा है और एक में तो दो ही ड्रॉप निचोड़े हैं, बट नींबू तो गया है ना, तो रिजल्ट कहाँ, दो ड्रॉप वाला देगा कि फुल नींबू वाला देगा? तो कहने के लिए तो इट्स वेरी इजी कि ये नींबू पानी है, बट आर यू चेकिंग द क्वालिटी और नॉट, आर यू गेटिंग द रिजल्ट और नॉट? रिजल्ट मैटर्स फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड रिजल्ट मैटर्स। कोई भी चीज कर रहे हैं ना, उसका इक्वल टू आएगा व्हाट इज द रिजल्ट, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू लास्ट, एंड इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करना चाहें ना, दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक, यू नो, कंपैरेटिव स्टडी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन शार्पन हो जाता है, हमें पता चलने लगता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसीलिए यस, कंपेयर भी जरूर कीजिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। जब हम सब चीजें कंसिडर करते हैं तो मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी की रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, अग्री और नॉट? तो कैसे मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स देता है, कैसे मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस है, ये भी इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सब इवेल्युएशन के बाद ही जो हम एक ब्रांड होता है ना, कोई भी ब्रांड के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और उसके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ ये ग्रीन कलर की पैकिंग या दो ड्रॉप नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत कड़ी मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, लॉयल्टी होती है, तभी जाके वो ब्रांड कस्टमर ब्रांड लॉयल बनता है कि नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए मैं तो यही यूज करूंगा। आपकी भी रोजिंदा जिंदगी में ऐसी काफी चीजें हैं जो आप यूज करते होंगे सालों से और आज भी वही यूज करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन क्यों आप स्विच ऑन नहीं करते किसी और ऑप्शन को? बिकॉज यू ट्रस्ट दैट ब्रांड, यू हैव बिल्ड दैट ब्रांड इमेज, यू हैव दैट अवेयरनेस इन योर माइंड दैट दिस प्रोडक्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट इज वाई यू आर नॉट स्विचिंग ऑन टू अदर प्रोडक्ट एंड स्टिकिंग विद द सेम ब्रांड।
Anyway, moving on. Product knowledge gives us the satisfaction of being expert. But natural, suppose अगर आपके पास अच्छा knowledge है product का, तो आप कैसा महसूस करेंगे? कहीं ना कहीं आप expert feel करेंगे ना, आपको लगेगा मैं expert हूँ, I am something, I know this. तब आपको confusion नहीं होगा, confidence lose नहीं करेंगे आप, challenges आएंगे, तरह तरह के questions आएंगे, rumors यानी अफवाहें भी होगी, तो you know how to deal. क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट के बारे में, आपके पास पूरी नॉलेज है. इसीलिए तो अक्सर हमने देखा है मार्केट में जरा सा कुछ होता है तो वो कहते हैं ना टिपिकल लैंग्वेज में राई का पहाड़ बन जाना. बट अगर वही चीज को हम एक राइट नॉलेज के साथ ट्रीट करें तो कुछ मैटर्स वहीं सबसाइड भी हो सकती है. राइट और रॉन्ग, बीइंग नॉलेजेबल इन योर प्रोडक्ट कैन मेक यू फील अकॉम्प्लिश्ड एज वेल. आप फील करने लगते हो कि बस आई एम होलसम नाउ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतना नॉलेज है, अब मैं कंप्लीट फील करता हूँ. आई फील कंप्लीट. क्योंकि अगर कोई भी मेरे सामने पेशेंट आके बैठ गया, या कस्टमर आके बैठ गया, कि नेबर आके बैठ गया, कि मेरे फ्रेंड सर्कल में से कोई आया, या कोई नया बंदा आया और मुझे खड़े होकर प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, मुझे बेनमून के बारे में समझाना है, मुझे कंपनी प्रोफाइल के बारे में समझाना है, मुझे प्लान के बारे में समझाना है, मुझे मैनेजमेंट के बारे में समझाना है, मुझे एक्स वाई जेड समझाना है, मैं समझा पाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट नॉलेज है, मैंने वो नॉलेज लिया है. Agree or not? That is why product knowledge is important. चलिए आगे बढ़ते हैं. So friends, I hope you are not getting bored. I hope you are with me. Are you with me, friends? अगर आप सहमति देंगे तभी मैं आगे move on करूंगी, or else I will stop this episode right away. क्या कहते हैं आप? You want me to proceed? Are you with me, friends? Are you still interested? Are you still excited? All right. Product knowledge helps you respond to any objections. देखिए बहुत important point है ये कि अगर आपके पास कोई भी चीज का सही knowledge होता है ना, तो कोई भी तरह का objection आएगा ना. Objection मतलब it could be anything. When you have knowledge, you will respond to it. आप उसको properly help कर पाओगे और respond कर पाओगे. और जो गलत फहमियां है, जो गलत रूमर्स फैल रही है, उसको भी आप सबसाइड कर पाओगे अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट नॉलेज है तो. वेदर इट्स अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और अ कंपैरिजन टू अ कॉम्पिटिटर, नोइंग अबाउट योर ओन प्रोडक्ट प्लस द कॉम्पिटिशन अलाउज यू टू एक्सप्लेन द वैल्यू इन योर ओन प्रोडक्ट. जब होता है ना अक्सर कि हम प्राइस को लेकर भी बोलते हैं अरे उसका सस्ता है, इसका महंगा है. जैसे मैंने भी आपको नींबू पानी वाला एग्जाम्पल बताया, एक में दो ड्रॉप है और एक में फुल. अभी सस्ता कौन सा हुआ और महंगा कौन सा हुआ? दोनों है तो नींबू पानी. तो दो ड्रॉप वाला भी नींबू पानी है और फुल नींबू निचोड़ा है वो भी पानी है. तो दो ड्रॉप ज्यादा बेनिफिट करेगा कि फुल नींबू जिसमें निचोड़ दिया है वो बेनिफिट करेगा? अब ये जिसमें दो ड्रॉप है वो बोलता है 5 रुपए का, और जिसमें फुल नींबू निचोड़ दिया है वो बोलता है 50 रुपए का. अरे छोड़ो छोड़ो उसको, ये 5 रुपए वाला लो. अंडरस्टूड? Am I clear? What are the proportion? What are the percentage? What are the ratio has been used in the product? इतनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, इतने रिसर्चेस के बाद, इतने एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद, जब बेनमून अपने प्रोडक्ट को ही तैयार करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कैंसर को भी डिफीट करते हैं, जो कैंसर में कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी में भी रिजल्ट देते हैं, जो डायबिटीज जैसे पेशेंट्स को GTT पर लेके आके खड़ा कर देते हैं, जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो कफ एंड कोल्ड एंड जनरल वीकनेस एंड वॉट नॉट A से Z तक डिजीज में इतना हेल्पफुल रहते हैं बेनमून के प्रोडक्ट्स. वी नो इट बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ अवर क्वालिटी. कोई भी हो, कोई भी आ जाए, वी नो व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से अबाउट अवर प्रोडक्ट. देयर इज नो कंपैरिजन. देयर आर लॉट मेनी गुड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. वी डू नो, वी रिस्पेक्ट अवर कॉम्पिटिटर्स, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट द रियालिटी इज रियालिटी. तो चाहे वो कंपैरिजन की बात हो कॉम्पिटिटर के साथ, कि आपको कोई और प्रोडक्ट कोई लाके बताए ये ट्राई करो ये ट्राई करो, ट्राई कीजिए, सब कुछ ट्राई कीजिए. क्योंकि ट्राई करेंगे तो आपको रियलाइज होगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो जब तक हम खुद प्रोडक्ट ट्राई नहीं करते, हमें खुद पता नहीं चलता. आई थिंक हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो खुद कहते थे कैंसर में रिजल्ट दिया है, आज खुद कहते हैं कि ये नहीं ये यूज करो.
मुझे कभी कभी वर्ड्स, यू नो व्हेन यू यूज द वर्ड्स, डू यू हैव एनी आइडिया, यू हैव सेंसिबिलिटी व्हाट यू आर टॉकिंग राइट नाउ, बिफोर यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, टुमारो यू विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर प्रोडक्ट, वेयर इज द पेशेंट? वो सफरिंग पेशेंट है जो वेट कर रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट आएगा, मैं ये लूंगा, ठीक हो जाऊंगा. डोंट डू दैट. कंपैरिजन करो तो पहले खुद समझो. प्रोडक्ट नॉलेज होगा ना तो कंपैरिजन को भी समझ पाओगे आप. प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो प्राइस फैक्टर भी समझ पाओगे आप. प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो अपने खुद के प्रोडक्ट की वैल्यू कर पाओगे आप. चाहे ये किसी को भी, हर किसी के लिए ये मैसेज है मेरा, सिर्फ बेनमून में काम करने वालों के लिए नहीं. आप जहां भी काम करते हैं, रिस्पेक्ट योर कंपनी, रिस्पेक्ट देयर प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट व्हाट दे आर ऑफरिंग, एंड ऑलवेज हैव अ टीम वर्क. चलिए आगे बढ़ते हैं. People are more likely to trust people who show confidence in themselves and what they are selling. You know, जब आप कोई भी चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना तो people will listen to you. आपकी बात को समझेंगे. आपने देखा है, अगर मैं लूज कॉन्फिडेंस के साथ, enthusiasm नहीं है, उत्साह नहीं है और मैं ऐसे बात करूं, who is going to listen? प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, किसी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, have that confidence in you. कॉन्फिडेंस नहीं होगा, nobody is interested. आजकल किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि दो मिनट सुने. तो वो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा. प्रोडक्ट नॉलेज होगा और सामने वाले को समझाओगे ना तो ही विल अंडरस्टैंड, शी विल अंडरस्टैंड दैट यस आई वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट, यस आई वॉन्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट. ये स्टेटमेंट होना चाहिए आपके एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में. ये स्टेटमेंट होना चाहिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन बेन मून. Am I clear to you, friends? चलिए आगे बढ़ते हैं. You can build this confidence by increasing your knowledge of your products or services. I think ये confidence आप कब increase कर पाओगे? जब आप product knowledge लोगे, साथ में जो services है, product के साथ साथ जो services भी आपको मिल रही है कि भाई आपका product time पे मिल रहा है कि नहीं, अगर आपकी कोई query है, आप customer care में call करते हो तो सही से response आपको मिल रहा है या नहीं, आपकी कुछ भी कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से आपने company के management को call किया या email किया या system से message भेजा, तो क्या सही response आपको मिल रहा है कि नहीं. तो product के बारे में भी knowledge रखिए और services के बारे में भी knowledge रखिए, ताकि कल किसी को आप explain करो तो पूरी तरह से आप समझा पाओ कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि मैनेजमेंट भी बहुत सुपर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, यूज क्रिएटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. देखिए, अभी हमने बात किया प्रोडक्ट नॉलेज, नॉलेज इज पावर, प्रोडक्ट नॉलेज, लेकिन ये प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा कहाँ पर? आई थिंक हम सभी सोशल मीडिया पर हैं, हमारे पास ब्रोशर्स हैं, हमारे पास कैटलॉग्स हैं, हमारे पास कॉर्पोरेट बुकलेट्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सोशल मीडिया पर हम प्रमोशन करते हैं, जहाँ पर हम डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं, वेबसाइट पर हमने डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज दी है, और वेबसाइट में आपको हर एक लैंग्वेज मिल जाएगी, हर एक लैंग्वेज में आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका कि भाई आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, योर ओन एक्सपीरियंस यूजिंग द प्रोडक्ट. क्योंकि जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा. खुद प्रोडक्ट यूज करके देखिए और बेनिफिट आपको क्या क्या मिलता है ना, फिर आप देखिए आपका तरीका जो समझाने का है ना, वो चेंज हो जाएगा. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. प्रोडक्ट लिटरेचर जितनी भी आपके पास है उसको रीड कीजिए, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो वेबसाइट हो, सोशल मीडिया की जो पोस्ट हो, कॉर्पोरेट बुकलेट हो या कैटलॉग हो. जस्ट रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस. जब तक यहाँ फिट नहीं हो जाता, रीड इट. फीडबैक लीजिए कस्टमर से, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, सोशल नेटवर्क है, जिन जिन लोगों को आपने ये प्रोडक्ट्स दिया है, टेक द फीडबैक कि भाई बेनमून का प्रोडक्ट कैसा लगा आपको. क्योंकि वो फीडबैक ही आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगा कि दैट यस, द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली दमदार. योर टीम मेंबर्स, कम्युनिकेट विथ योर टीम मेंबर्स. अपने टीम मेंबर्स के साथ भी कम्युनिकेट कीजिए, उनको प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, उनको बताइए कि कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से वो प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, ताकि वो भी आपकी तरह स्ट्रांग हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वही बोलना है, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ. ऐसा नहीं कि कुछ भी क्लेम कर दो आप. इसीलिए तो प्रोडक्ट का पर्पस जानना जरूरी है. जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, ईमानदारी से गाइडलाइंस दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं.
टर्न प्रोडक्ट फीचर्स इनटू बेनिफिट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट के फीचर्स बताए थे कि पर्पस क्या है, हाउ इट वर्क्स, वेदर इट इज गोइंग टू लास्ट और नॉट, एवरीथिंग अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं। तो जब आप कोई प्रोडक्ट को समझाते हो तो साथ साथ में उसके फीचर्स को भी इंक्लूड करो, कंपनी के बारे में भी गाइडलाइंस दो, ताकि आप जिसे भी एक्सप्लेन कर रहे हो वो आपके साथ जुड़ जाए, उसे एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आ जाए आपके ऊपर। एज यू मीट कस्टमर्स यू कैन यूज योर नॉलेज टू लीड योर कस्टमर थ्रू द सेल्स प्रोसेस। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो एक प्रोसेस होता है, यू नो, ऐसा नहीं कि बैठे और समझा दिया ये ले लो और ज्वाइन हो जाओ, राइट? एक प्रोसेस होता है ना जहां पर आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी होती है, समझानी होती है। तो ऐसा कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए लोगों के साथ कि उनका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो मेमोरेबल हो जाए, एंजॉयबल हो जाए, उनको भी मजा आए, आपसे कोई मिलकर जाए तो उनके दिमाग में रहे कि ये व्यक्ति ने मुझे जिस तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया मुझे भी मजा आ गया, ताकि मैं दोबारा इनसे मिलना चाहूँ, ताकि वो आपको रिविजिट करें, आपको वापस से कॉल करें। क्यों, इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई चीज पढ़ ली और कॉपी और पेस्ट कर दिया, नहीं, जब समझाने की बारी आएगी तब आप क्या कहेंगे। तो समझाने के तरीकों को भी कुछ स्किल्स डेवलप कीजिए, उसे बहुत और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाइए, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए, ताकि सामने वाला आपको पार्टिसिपेट करे और आपको सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज अलाउज यू टू कीप लर्निंग एंड डिस्कवर एडिशनल एडवांटेजेस टू ऑफर द प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज जितना आप पढ़ोगे ना, एवरी टाइम, आपने कभी ब्रोशर रीड किया? आप में से कितने लोग हैं जो वेबसाइट में गए हैं, जो ट्रांसलेट लैंग्वेज है वहाँ जाके अपनी जो भी आपकी मदर टंग है लैंग्वेज ट्रांसलेट करके हर एक चीज़ बारीकी से आपने पढ़ी? अगर आप पढ़ेंगे ना बार बार तो यू विल कम टू नो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, यू विल कम टू नो न्यू थिंग्स। जैसे आज की तारीख में भी जब मैं प्रोडक्ट ब्रोशर या कॉरपोरेट बुकलेट पढ़ती हूँ ना, तो मेरे लिए कुछ नया ही जानने को मिलता है मुझे। तो हमारा जो नॉलेज है ना वो भी एडिशनल होने लगता है और ज़्यादा एडिशनल एडवांटेज हमको मिलने लगते हैं। सो जितना हो सके जस्ट रीड रीड रीड, चाहे वेबसाइट पे रीड करें, सोशल मीडिया पे रीड करें, बट रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट हैज हिडन यूजेस, इफ यू डोंट नो व्हाट दे आर, यू वोंट बी एबल टू आर्टिकुलेट देम टू योर प्रोस्पेक्ट। जिनसे भी आप मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपने बोला ये ओरा ग्रीन है, ग्रीन टी है, लेकिन इसके हिडन यूजेस क्या हैं, इसकी और खासियत क्या है, वो आपको पता ही नहीं है। जैसे आपको ये नहीं पता अगर कि लेमन ग्रास है, इसमें सैफ्रॉन भी है, इसमें जिंजर भी है, जिंजर की क्या खासियत होती है, लेमन ग्रास की क्या खासियत होती है। तो आई थिंक जब एडिशनल कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको जानना उतना ही ज़रूरी है कि इसके हिडन यूजेस क्या हैं। जैसे तुलसी क्यूरक्यूमिन है, उसके हिडन यूजेस क्या हैं, कि भाई वो सर्दी खांसी जुकाम में भी काम करती है, वो हेडेक में भी काम करती है, साथ में वो जनरल वीकनेस में भी काम करती है, वो खराश में भी काम करती है ना। जैसे माइग्रा केयर है, वो सिर्फ सर दर्द में नहीं, कोई भी तरह के सर दर्द में काम करती है। तो हर एक प्रोडक्ट की डेप्थ को समझिए कि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स क्या हैं, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स क्या हैं, तभी सामने वाले को आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे और वो आपके साथ जुड़ जाएगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगी, प्रोडक्ट इज द की एलिमेंट। प्रोडक्ट है तो प्रमोशन है, प्रोडक्ट है तो पोजीशनिंग है, प्रोडक्ट है तो मीटिंग है, प्रोडक्ट है तो मनी है, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को ही समझिए, बार बार समझिए और अपने आप को ऐसा बना दीजिए एक दिन कि आपको लगे अब मेरे पास मास्टर डिग्री आ गई है, अब मैं प्रोडक्ट समझाने में मास्टर हो चुका हूं। और जिस दिन आप ये फील करेंगे ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आपको अपने आप आ जाएगा। और इसके पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं ना, एक बार जरूर सोचिएगा उस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज गिव्स यू सेल्फ अश्योरेंस, एक तसल्ली देता है हमको। जब हमारे पास कोई भी चीज का नॉलेज होता है ना, तो एक तसल्ली रहती है कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है। तो जब भी नहीं, कुछ चीजें होती है ना जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर हम कंफ्यूज ही रहते हैं। पर जो लोगों को ऐसा लगता है कि अब मैंने सब सीख लिया, समझ लिया है, अब मुझे एग्जैक्टली पता है, एटलीस्ट मैं सीखता रहूंगा, समझता रहूंगा, पर अभी के लिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कहना क्या है, क्योंकि नाउ आई नो इट, प्रोडक्ट नॉलेज मेरे पास है, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली है।
if you know more about the product, then you will be more prepared, more than prepared for any situation that comes to you. कोई भी situation, चाहे कोई भी circumstances होंगे ना, तब आप हमेशा पॉजिटिवली प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि आपके पास राइट नॉलेज है प्रोडक्ट का भी और कंपनी का भी. तो हर एक अनइवन सिचुएशन को आप पॉजिटिवली टैकल कर पाओगे. ये है ताकत प्रोडक्ट नॉलेज की. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. फाइनली प्रोडक्ट नॉलेज इज पावर. आप जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है. सो प्रोडक्ट नॉलेज इज द पावर. आगे बढ़ते हैं. Now here you have to think, जब हम generally, you know what is brand? A brand is nothing but a trust. What is brand? जब भी हम देखते हैं ना TV पे advertisement, commercials, Facebook में scroll करते हैं तो we get to see lot of advertisements and then we buy the product. You know, क्योंकि उसकी एक brand image होती है. तो think about Ben Moon's brand image, कि Ben Moon की brand image क्या है, Ben Moon की brand identity क्या है, Ben Moon की brand equity क्या है, और जो consumer है वो क्यों prefer करते हैं Ben Moon को. Brand equity का मतलब क्या हुआ, आप खुद ही सोचिए. कोई भी तीन product, compare Ayu Vardhan with other brand. जो भी companies आप जानते हैं, just compare Ayu Vardhan with other brand, just compare Benadryl with other brand. क्या दिमाग में आता है, तीन में से कोई एक ऑप्शन दिमाग में आएगा, आयु वरदान ही आएगा. दैट इज द ब्रांड इक्विटी. यू विल नॉट कंसीडर अदर टू प्रोडक्ट. दैट इज अवर कॉन्फिडेंस. दैट इज व्हाट इज द ब्रांड इमेज. दैट इज व्हाट इज द ब्रांड इक्विटी. एंड कंज्यूमर कहें या पेशेंट्स कहें, दे विल ओनली प्रिफर Ben Moon बिकॉज क्वालिटी इज अवर टूल. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आई रियली होप कि मैंने आपको हेल्प किया है, मदद की है कुछ सिखाने में, एक राइट गाइडलाइंस और एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम रेडी करने में. जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाए, थिंक अबाउट इट. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय Ben Moon.